में पहले लड़की था, मेरा नाम अस्मा बीबी था, बिल्कुल ये बात सच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ, मैं पहले लड़की था, मेरा नाम अस्मा बीबी था, बिल्कुल ये बात सच है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय गॉड गिफ्टेड, मैं शुरू से ही मेरा जो जेंडर का आइडेंटिफाई हुआ मेरे डॉक्टर्स ने क्लियर किया और मुझे जेंडर डिस्फोरिया का पेशेंट क्लियर किया गया, और उसके बाद ही मुझे मेरे सर्जरी के लिए मुझे इजाज़त दी गई। मेरा दिमाग का टेस्ट हुआ, मेरे साइकेट्रिस्ट ने मेरा टेस्ट लिया, उस पर मुझे उन्होंने जेंडर डिस्फोरिया पर क्लियर करके मुझे मेल डिक्लेयर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लीगल तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज किए हैं, वो भी आफ्टर सर्जरी। बाकी जब मैं टोटली मैं चेंज हो गया, मैं उसके बाद भी जब मेरा सर्जरी होने के बाद भी मैं लड़कियों वाले ही डॉक्यूमेंट यूज़ करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। मुझे रोक लेते थे कि ये तो लड़की की तस्वीर है, तुम इस तरह है, ये वो क्या मसला है। फिर मैंने जब फील किया कि वाकई में ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, मुझे आगे जॉब नहीं मिलेगी, आगे मैं काम नहीं कर सकूंगा, उस वजह से मैंने अपना नादरा में डॉक्यूमेंट चेंज करवाया। ये सब कह रहे हैं कि मैंने निकाह के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने निकाह तो मेरा बहुत अरसे बाद हुआ है। तो ये बात है कि एक चीज़ का जो होता है ना, एक वक्त होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक फेक न्यूज़ चलाई जा रही है, फेक पिक्चर्स बना बना के मेरी इस तरह लगाई जा रही है। मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सामने हूँ, बोर्ड में भी पेश हूँगा, मेरी वाइफ भी है, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी की है, खुश हैं, मैंने लीगल तरीके से, और कोई इसमें गुनाह वाला या जो जिनसी या इस तरह कुछ जो बात करें ये गलत कर रहे हैं, हमने पाक रिश्ता अपनाया है, निकाह किया है, और लीगल तरीके से अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के हमने निकाह किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम खुश हैं अपनी लाइफ में। अब कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं कुछ कह